चलो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे अनिलेश से. इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, सिंगल स्लिट है ना, तो चलो बच्चों सिंगल स्लिट का सारे फॉर्मूलाज बताओ. सिंगल स्लिट के क्या क्या फॉर्मूलाज होते थे, है ना, सिंगल स्लिट. तो सिंगल स्लिट के फॉर्मूलाज, हाँ फर्स्ट हमने बच्चों ये देखा था सिंगल स्लिट में कि इंटेंसिटी जो होता है ना, ये होता है आई एम इंटू साइन अल्फा बाई अल्फा का होल स्क्वायर. ठीक है, सेंटर पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है और साइड वाइज इंटेंसिटी डिक्रीज होता है. मेरा माइक किधर है, हाँ साइड वाइज इंटेंसिटी डिक्रीज होने लगता है. मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? यस सर, यस सर. ठीक है, यस सर. तो ग्रुप में क्वेश्चन सॉल्व करने का मजा कुछ और है ना. तो आज हम लोग ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. तो सेंटर पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा और साइड वाइज इंटेंसिटी कम होता चला जाता है ना. ओके उसके बाद और क्या पॉइंट था उसमें? और पॉइंट था तुम्हें n पार्ट के लिए n लैम्डा इज इक्वल टू dn d sin थीटा. करेक्ट करेक्ट. तो ये हमने देखा था ना कि n लैम्डा इज इक्वल टू n लैम्डा इज इक्वल टू d sin थीटा. और बच्चों हमने ये भी डिस्कस किया था, आपको याद होगा कि सपोज अगर ये सेंट्रल मैक्सिमम है और ये सब्सिडरी मैक्सिमा है, ये वाला सब्सिडरी मैक्सिमा है, तो सब्सिडरी मैक्सिमा इज द एवरेज ऑफ द टू पॉइंट्स. ये जो मिनिमा का एवरेज होता है ना ये, और इसका पोजीशन तुमने निकाला भी था शायद एन प्लस हाफ लैम्डा कुछ होता है ना, एन प्लस हाफ लैम्डा होता है. तो ये मंत्र है, इसको बार बार तुम्हें रिकॉल करते रहना पड़ेगा. ठीक है, और हमने बच्चों ये भी देखा था कि ये जो विड्थ है जिसको हम एंगुलर विड्थ बोलते हैं ना, एंगुलर विड्थ, तो एंगुलर विड्थ कैसे निकाला था आपने? एंगुलर विड्थ इज इक्वल टू शायद लैम्डा बाई डी निकाला था क्या? एंगुलर विड्थ हमने लैम्डा बाई डी निकाला था, है ना. तो मीडियम का भी इफेक्ट पड़ता था एंगुलर विड्थ पे. अगर हम वाटर, अगर इसमें हम वाटर ऐड कर दें तो वाटर ऐड करने से वो म्यू टाइम से डिक्रीज हो जाता है, म्यू टाइम से डिक्रीज हो जाता है. तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सीपीएमटी का है, क्वेश्चन है यूपी सीपीएमटी. मीन्स अगर किसी को उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए सीपीएमटी का पहले एग्जाम देना पड़ता था, है ना. बट अभी तो एक ही एग्जाम देना पड़ता है और वो एग्जाम क्या है? नीट. तो बहुत पहले की बात है, 2013 आप 6th 7th स्टैंडर्ड में रहेंगे उस समय शायद, है ना. क्या लग रहा है आपको, कौन सा ऑप्शन लॉक कर दिया जाए? इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न सेंट्रल फ्रिंज हैज नेग्लिजिबल विड्थ देन अदर्स, ऑल फ्रिंजेस आर ऑफ सेम विड्थ, सेंट्रल फ्रिंज do not exist, none of the above. तो सबसे पहले diffraction, सबसे पहले diffraction में हमने क्या discuss किया था कि diffraction में सारे fringes का width same नहीं होता है, होता है क्या? नहीं sir. नहीं होता है ना, interference में होता है शायद, है ना? Yes sir. Yes sir. Interference में होता है. तो सेंटर फ्रिंज का मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा और विड्थ जो होगा ना, सेंट्रल फ्रिंज का विड्थ सबसे ज्यादा होता है. क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि लेफ्ट साइड भी होता है सेंटर से एंड राइट साइड भी होता है सेंटर से. आर यू गेटिंग, है ना, सेंटर से, सेंटर से लेफ्ट भी होता है और सेंटर से राइट भी होता है, दोनों साइड हमें जाना पड़ता है. तो सेंट्रल फ्रिंज का जो विड्थ होता है ना, अदर फ्रिंज से ट्वाइस होता है ना. देखो ये
ये डायग्राम हमने डिस्कस किया था एक्चुअली, ये वाला और इधर, ये सेंट्रल फ्रिंज का विड्थ, ठीक है, अदर फ्रिंजेस के विड्थ से ट्वाइस होता है क्योंकि इस साइड भी है और इस साइड भी है ना। तो चलो कौन सा ऑप्शन लॉक कर दे इसमें बताओ, वन का ऑप्शन बी डी, यस यू आर राइट, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, सेंट्रल फ्रिंज हैज नेग्लिजिबल विड्थ, बिल्कुल गलत बात है, सेंट्रल फ्रिंज का विड्थ होता है, ऑल फ्रिंजेस आर ऑफ सेम विड्थ, बिल्कुल गलत है, सेंट्रल फ्रिंज डज नॉट एग्जिस्ट, होता ही नहीं है, डिफ्रैक्शन में तो सेंट्रल फ्रिंज एग्जिस्ट होता ही है, तो ऊपर में से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, बिल्कुल सही आपने बताया। सेकेंड क्वेश्चन EMU का है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बहुत ही पुराना कॉलेज, बहुत ही अच्छा कॉलेज है EMU, और ये बिल्कुल दिल्ली के पास है, मैंने जो बच्चे अलीगढ़ में पढ़ते हैं वो ज़्यादा दिल्ली में रहते हैं, अलीगढ़ में कम रहते हैं, आप बोल सकते हो कि यहाँ से पिंपरी है ना। तो EMU का क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ, अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ नैरो स्लिट, अ डिफ्रैक्शन पैटर्न इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम, एट द फर्स्ट मिनिमा ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न द फेज डिफरेंस बिटवीन द रेज कमिंग फ्रॉम द टू एजेस ऑफ द स्लिट इज, EMU का क्वेश्चन हमेशा से टफ रहा है, तो स्टेटमेंट बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इसलिए आप इसको स्प्लिट कर करके रफ डायग्राम बनाने का कोशिश करोगे, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो हमारा माइंड कहीं और इन्वॉल्व हो जाता है, आई क्वेश्चन पे ही रहता है लेकिन दिमाग कहीं और चला जाता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है ना, तो इसलिए पहले पढ़ो, उसका डायग्राम ड्रॉ करो, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद बेसिक्स को रिकॉल करो, ठीक है। चलो बच्चों मैं हेल्प करूं आपको, चलो देखो ये इस क्वेश्चन के लिए मुझे स्पेस की जरूरत है, तो मैं इस क्वेश्चन को कट करता हूँ, यहाँ से ये ऐसे कट करता हूँ, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, पेस्ट, यस, चलो। अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है बच्चों, सिंगल वेवलेंथ ना, यस सर सिंगल वेवलेंथ, तो कुछ ऐसा रहा होगा, अ डिफ्रैक्शन पैटर्न इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू, यस, तो स्क्रीन तो कुछ ऐसा है, और ये जो स्क्रीन है ये इस वेव के मैंने लाइट के परपेंडिकुलर है एट 90 डिग्री पे, तो सेंटर पे तो मैक्सिमा, देन फर्स्ट मिनिमा, देन ऐसे, तो सेंटर पे हमें क्या दिख रहा है, मैक्सिमा दिख रहा है। तो क्वेश्चन है, अ डिफ्रैक्शन पैटर्न इज फाउंड ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट,
एट द फर्स्ट मिनिमा ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न. फर्स्ट मिनिमा यही बनेगा ना शायद, यही तो फर्स्ट मिनिमा होगा ना. तो फर्स्ट मिनिमा में ये बताओ एन का वैल्यू क्या लेते हो, तो वन लेते हो क्योंकि सेंटर पे तो एन का वैल्यू जीरो होता रहता है, और यहां भी एन का वैल्यू क्या लोगे, वन ही लोगे, है ना. चलो तो हमें क्या निकालना, हमें फेज डिफरेंस निकालना है. तो देखो बच्चों यहाँ पे स्लिट कितने हैं, सिंगल स्लिट ही है ना. तो सिंगल स्लिट के क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं, सिंगल स्लिट के क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं. फर्स्ट फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था कि आई थीटा जो होता है आई एम इंटू साइन अल्फा बाई अल्फा का होल स्क्वायर. और इसमें एक चीज और भी लिखा था मैंने, अल्फा इज इक्वल टू फाइव बाई टू इस पाई बाई लैम्डा डी साइन थीटा, याद आ रहा है, ये भी मैंने लिखा था, आप देख लेना नोटबुक में. दो तीन ही फॉर्मूला है जिससे नीट के सारे क्वेश्चन, जेई के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है. तो हमें क्या निकालना है, फाई निकालना है क्योंकि वो बोल रहा है ना कि फेज डिफरेंस निकालो. तो फेज डिफरेंस हमें निकालना है, ये निकालना है फेज डिफरेंस. फेज डिफरेंस का मतलब है फाई निकालना है. तो फाई बाय टू इज इक्वल टू पाई बाई लैम्डा इंटू डी साइन थीटा लिख सकते हैं. तो फाई इज इक्वल टू 2 pi by lambda into d sin theta लिख सकते हैं. ठीक है, ओके. तो ये आप इसको फर्स्ट ले लो. दूसरी बात है जब भी हम कोई भी डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा. देखो ये भी फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है. तो फर्स्ट मिनिमा तो यहाँ बनेगा, यहाँ पे एन का वैल्यू क्या होगा बताओ, एन का वैल्यू यहाँ पे वन हो जाएगा. सो डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा लिख सकते हो. तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, तो लैम्डा बाय डी लिख सकते हो क्या, साइन थीटा इज लैम्डा बाई डी. तो ये वैल्यू हमें क्या रखना होगा. अच्छा एक चीज और भी है, व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा क्या होता है बताओ, व्हाट इज लैम्डा का डेफिनेशन, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट या टू ट्रफ, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट या टू ट्रफ, ये होता है वेवलेंथ. तो ये यहाँ पे बच्चों यहाँ पे क्रेस्ट बन रहा है, यहाँ भी क्रेस्ट बन रहा है, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, लैम्डा हो गया ना. बट हमें तो ये निकालना है, तो इसका मतलब है कि ये क्या रहा होगा, लैम्डा बाई टू रहा होगा. तो लैम्डा के जगह पे अगर हम लैम्डा बाई टू रख दें तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन टू डी हो जाएगा. अब ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्लग इन करो तो फाई क्या आएगा, तो फाई इज इक्वल टू टू पाई बाई लैम्डा इंटू डी साइन थीटा. बताओ क्या आ रहा है, लैम्डा अपॉन टू डी, डी एंड डी कैंसिल, लैम्डा एंड लैम्डा कैंसिल, टू एंड टू कैंसिल. तो फाई का वैल्यू क्या आ गया, सो पाई इज द राइट आंसर. समझे क्या. वेवलेंथ होता है ये ना, ये और ये इनके बीच का डिस्टेंस ही वेवलेंथ होता है ना. बट हमें यहां जाना है तो ये डिस्टेंस तो हाफ ही होगा ना. हाँ वही बता रहा हूँ कि लैम्डा का डेफिनेशन हमने 10th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा था, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट. बट हमें ये वाला पॉइंट चाहिए, तो ये वाला पॉइंट तो इसका आधा ही है ना, हाफ ही है ना. ठीक है चलो मैं जाऊँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे. बच्चों लिख लो फटाफट सॉल्यूशन इसका. जी
आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो ना, तो आपका मेडिकल में सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल डॉक्टर बन जाओगे आप। और उसके बाद तो फिर आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा कि आप अच्छे से बैठ सके, बात कर सके, है ना, है ना ताहिर? ताहिर तुम्हें सर्जन बनना है ना? नहीं, इंजीनियरिंग में जाना, आर्किटेक्ट बनना, बहुत अच्छी बात है। मेरा इंस्टीट्यूट को थोड़ा डिज़ाइन कर देना एक बार। तो नाटक कर रहे हो, मेरा एक स्टूडेंट है, उसने यहाँ पढ़ता था, वो अभी वो नेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइनिंग में पढ़ रहा है, तो आप उससे कांटेक्ट में रहो, वो सीनियर है आपका, और वो शायद थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर में पढ़ रहा होगा अभी, उसने भी नाटा ही निकाला है। चलो आगे बढ़ जाए। यस यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं, ठीक है? मैं इन दोनों क्वेश्चन को ऐसे पहले कट कर लेता हूँ, ये कॉपी हो गया और ये पेस्ट, कंट्रोल वी। हाँ यस। चलो अब मैं इसे, चलो पारुल बताओगी, पारुल है क्या? पारुल की हेल्थ ठीक है? यस सर। हाँ, कल पारुल की हेल्थ बहुत ख़राब हो गई थी, हालांकि उसने प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से किया था, बट हेल्थ अच्छा नहीं रहने के कारण वो अच्छे से एग्ज़ाम नहीं दे पाई। तो पारुल बताओ, थर्ड का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फॉर अ वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा एंड स्कैटरिंग ऑब्जेक्ट, स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है ना, स्लिट, डिफ्रैक्टिंग डिवाइस, जहाँ से लाइट बाहर निकल रहा है, जैसे हम लोग गेट से बाहर निकलते हैं ना, गेट से बाहर निकलते हैं, तो वो होता है स्कैटरिंग ऑब्जेक्ट या डिफ्रैक्टिंग डिवाइस, ठीक है? उसका साइज ए दिया हुआ है, तो ऑल वेवलेंथ्स आर स्कैटर्ड नियरली इक्वली। तो एक्चुअली डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि यहाँ से सोर्स से जब लाइट इंटर होता है ना, इसका वेवलेंथ मान लो लैम्डा है, और इसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, डी। तो डी क्या होना चाहिए, डी शुड बी स्मॉलर देन लैम्डा होना चाहिए ना, मतलब ये जितना गैप कम रहेगा उतना स्प्रेडिंग ज्यादा होगा। तो ये कंडीशन किसके लिए है, ये कंडीशन डिफ्रैक्शन के लिए, ये कंडीशन डिफ्रैक्शन के लिए। लेकिन अगर मान लो कि डी का वैल्यू लैम्डा से ज्यादा हो जाए, तो अगर विड्थ बहुत ज्यादा हो, विड्थ बहुत ज्यादा, तो रेज आराम से बाहर निकल जाएगा, और रेज आराम से बाहर निकलेगा स्कैटर्ड नियरली इक्वली। इसका मतलब है कि रेज बाहर तभी निकल सकता है आराम से जब ये विड्थ क्या हो, ज़्यादा हो। इसका मतलब है कि ए क्या होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन लैम्डा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी नहीं होगा, दोनों का वेवलेंथ इक्वल हो ही नहीं सकता, मैंने वेवलेंथ और डी इक्वल नहीं हो सकता, हमने कहीं भी ग्रेटर देन इक्वल कहीं नहीं लिखा है थियरी में, या तो हमने लेसर लिखा था या ग्रेटर लिखा था, इक्वल कहीं नहीं लिखा था, ठीक है? तो अगर विड्थ स्लिट का ज्यादा रहेगा, विड्थ इज डिफ्रैक्टिंग डिवाइस का ज्यादा रहेगा, तो रेज आराम से यहां से इक्वल इंटेंसिटीज के साथ बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। और ये क्वेश्चन डी यू एम ई टी का है ना? डी यू एम ई टी कहाँ का एग्जाम है? देहरादून यूनिवर्सिटी, देहरादून यूनिवर्सिटी, देहरादून में बहुत अच्छा एजुकेशन होता है। तो अगर किसी को नेचर से प्यार है, शिमला, मसूरी, कुल्लू मनाली, जम्मू कश्मीर जाना है, तो वहाँ पे एडमिशन ले सकता है ना? मंडे टू फ्राइडे जो है कॉलेज अटेंड करो, और सैटरडे संडे शिमला घूमो, ऐसा। नहीं, बड़े बच्चे जाते हैं कॉलेज में, जाने के बाद तो जाते ही हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे ये रहा। इफ टू सोर्सेज हैव अ रैंडमली वेरिंग फेज डिफरेंस फाई, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी, टू सोर्सेज हैव
फेज डिफरेंस तो रिजल्टेड इंटेंसिटी क्या होगा, इंटेंसिटी और फेज का क्या रिलेशन होता है? If two sources have a random जी मुझे प्रीवियस क्वेश्चन में एक डाउट है तो सर डीसी पांडे ने डेफिनेशन दी है जिसमें लिखा है कि मींस एपर्चर का जो साइज होता है वो वेवलेंथ से इक्वल होता है तो उसे डिफ्रैक्शन बोलते हैं। नहीं तो यहाँ लिखा है द फेनोमेन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल ऑफ द साइज ऑफ वेवलेंथ ऑफ इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। बहुत सारे बुक में बहुत सारी चीज़ें लिखा हुआ है, आप सही बोल रहे हो, है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि डिफ्रैक्शन के लिए जो है ना वो विड्थ का साइज वेवलेंथ से कम होना चाहिए। है ना, इस पे कल शायद जो बच्चे टेस्ट में आए थे उस पर भी डिस्कशन हो रहा था कि सर एग्जैक्टली ये क्या है, मैंने ग्रेटर होना चाहिए लेस होना चाहिए। फाइनली आपने बोला था कि लैम्डा स्लाइटली ग्रेटर होना चाहिए। जी ठीक है साइमा, तो बी ऑप्शन ही होगा बेटा। फोर्थ नंबर आ जाओ यार, ये फेज का और इंटेंसिटी का क्या रिलेशन है? हमने तो एक ही फॉर्मूला पढ़ा है ना, इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू आई एम क्या साइन अल्फा बाई अल्फा का होल स्क्वायर, और अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होता है फाई बाय टू, फाई क्या होता है फाई बाई लैम्डा डी साइन थीटा। तो अगर हम कुछ ऐसा लिखें इस अल्फा के जगह पे आई थीटा इज इक्वल्स टू आई एम इंटू साइन क्या होता है फाइव बाय टू अपॉन अल्फा क्या होता है फाइव बाय टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या लिख सकते हैं इसमें, सो दिस इज इक्वल टू एक हमने ये भी फॉर्मूला पढ़ा था ना इंटरफेरेंस में, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा कहीं मेंशन ही है ना कि क्वेश्चन डिफ्रैक्शन का ही है, कहीं मेंशन है क्या टू सोर्सेज हैव रैंडम, टू सोर्सेज है यहाँ पे, अरे टू सोर्सेज तो डिफ्रैक्शन में कहाँ होता है? इंटरफेरेंस, तो आई इज इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू कॉस फाई है, कॉस फाई है ना। तो क्या करें दोनों का इंटेंसिटी इक्वल ले लें क्या, तो आई नॉट प्लस टू अंडर रूट आई नॉट कॉस फाई, तो ये हो जाएगा टू आई नॉट प्लस आई नॉट स्क्वायर है ना, तो टू आई नॉट सही है कॉस फाई, तो हो जाएगा टू आई नॉट वन प्लस कॉस फाइव। वन प्लस कॉस फाइव का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टू आई नॉट कॉस फाइव होता है टू कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू माइनस वन, तो ये हो जाएगा वन प्लस कॉस फाइव टू कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू, तो टू टू जब फोर आई नॉट हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू, ये आ रहा है ना।
नहीं आ रहा है आंसर, क्या करें? If two sources have varying phase difference, इंटेंसिटी क्यों लिया? इंटेंसिटी का डेटा नहीं दिया हुआ था ना कुछ भी, नहीं लेकिन आंसर नहीं मैच हो रहा है ना उससे, उस मेथड से नहीं हो रहा है ना. क्या करें इसमें? सर मयूरी और मुस्तफा ने चैट सेक्शन में लिखा है कि इनकोहेरेंट होगा और इंटेंसिटीज ऐड अप हो जाएगी क्योंकि वेरिंग फेज डिफरेंस है. और यस सर, सर आपने बोला था कि अगर सोर्सेज इनकोहेरेंट है तो फिर उनकी जो इंटेंसिटीज हो जाती है वो ऐड अप हो जाती है. Yes, sir. ऐड ही करना पड़ेगा ना फिर. लिख लो. यस सर. हाँ लिख लो. सिंस द फेज डिफरेंस है ना, डिफरेंस ना is varying, since the phase difference is varying, then the waves are said to be incoherent. So the intensity of resultant wave is the sum of intensity of each wave. ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा 2I0. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट होगा. ठीक है, चलो
चलो एम्स का क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स. The clouds in sky generally appear to be whitish. Sky का कलर वैसे तो हम बोलते हैं क्या होता है, ब्लू, लेकिन यहाँ पे अपीयर हो रहा है whitish. रीजन क्या है? डिफ्रैक्शन ड्यू टू क्लाउड्स इज इफिशियंट इन इक्वल मेजर एट ऑल वेवलेंथ्स. डिफ्रैक्शन ड्यू टू क्लाउड इज इफिशियंट इन इक्वल मेजर एट ऑल वेवलेंथ्स. क्या अजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट? रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन. बोथ अजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट. ऑप्शन बी होगा क्या? क्लाउड्स में कौन सा डिफ्रैक्टिंग डिवाइस होगा कि डिफ्रैक्शन होगा? क्लाउड पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स. वाटर ड्रॉपलेट्स डिफ्रैक्टिंग डिवाइस होगा, और वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है ना वो डिफ्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना? तो यस, अजर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, है ना? सही है ना? तो सो बी एंड रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन है. तो यहाँ पे लिख लो आंसर. ऑप्शन ए होगा. As the water droplets, as the water droplets in cloud is responsible, cloud is responsible for diffraction of light, and is efficient. And is efficient in equal measure at all wavelength or and hence cloud look whitish. So A is the right answer. So question 5. Question 5 नहीं हुआ? No sir. वो फ्रेजनल डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है ना, वो सिलेबस में नहीं है. वो देख लेते हैं, 5 देख लेते हैं. अच्छा 5 नहीं किया ना मैंने. चलो हो गया ना ये. तो ये था 6 नंबर क्वेश्चन. और ये चलो नेक्स्ट. चलो 7 नंबर पे जाओ. In a single slit, diffraction of a light of a wavelength कुछ कटा है क्या? आंसर 7. By a slit of width दिया हुआ है, ठीक है, अने width का slit दिया हुआ है E. Single slit diffraction का question है ना, slit का width क्या दिया हुआ है? E दिया हुआ है यहाँ पे, देखो
स्लिट का विड्थ है ई, द साइज ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ऑन अ स्क्रीन एट अ डिस्टेंस बी इज, तो मीन्स ये कुछ ऐसा है क्वेश्चन, ये जो गैप है ये है ई, कुछ ऐसा है, द साइज ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन एट अ डिस्टेंस बी इज, साइज ऑफ मीन्स यहाँ से ये डिस्टेंस बी है क्या, साइज ऑफ ऑन अ स्क्रीन एट अ डिस्टेंस हाँ ठीक है, मीन्स ये डिस्टेंस शायद बी दिया हुआ है क्या, सिंगल से डिफ्रैक्शन वेवलेंथ ऑप्शन बी है क्या, साइज ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, साइज ऑफ सेंट्रल मीन्स हमें ये विड्थ निकालना है क्या, ये निकालना है क्या, हाँ यही निकालना है शायद, यस सर, साइज ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा तो यही होता है ना, तो सेंट्रल मैक्सिमा का साइज निकालना तो एक चीज़ तो ध्यान दो यहाँ पे कि ये जो सेंट्रल मैक्सिमा का जो साइज़ है ना, ये क्या है, ये है मिनिमा और ये है मिनिमा, तो दो मिनिमा के बीच में है ना, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, वी नो कि एंगुलर पोजीशन हमने निकाला था फॉर्मूला इन मिनिमा, इन मिनिमा इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन क्या निकाला था बच्चों, ये निकाला था क्या, डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, और ये हमने निकाला था कहाँ पे, फॉर सिंगल स्लिट के लिए जिसका विड्थ क्या था, तो यहाँ से अगर हमें यहाँ पे थीटा सर हमने एंगुलर विद द सब्सिडरी में मैक्सिमा थीटा इज इक्वल्स टू हमने एन लैम्डा बाय डी निकाला था ना, कब, जब साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाए, जब एंगल स्मॉल हो जाए, तो ये जो पोजीशन होता है ना वो लैम्डा बाय डी होता है करेक्ट, और ये पोजीशन भी क्या होता है बता सकते हो, ये भी वही होगा लैम्डा बाय डी, ये विड्थ कितना होगा, इधर लैम्डा बाय डी और इधर लैम्डा बाय डी, तो टू लैम्डा बाय डी, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एंगुलर विड्थ, ये हमने एंगुलर विड्थ निकाला, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा विल बी 2 लैम्डा बाई डी हो जाता है, जिसको तुम थीटा नॉट से रिप्रेजेंट करते हो।
बट आंसर जो आ रहा है ना जी सर, आपने एक बताया था लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी, तो सर उसमें मैक्सिमा ढूंढने के लिए दोनों को, सर उस मेथड में मैक्सिमा ढूंढने के लिए दोनों को ऐड करते हैं एंड देन डिवाइड बाय टू करते हैं। सर ऑप्शन बी आ रहा है? नहीं, बी आंसर नहीं आ रहा है। ये तो हमने एंगुलर विड्थ निकाला ना, हमें साइज निकालना है इसका। कैसे निकाले साइज? एक याकुता ने एक पॉइंट बताया ना, देखो क्योंकि आंसर जो आ रहा है ना वो बी के टर्म्स और ई के टर्म्स में आ रहा है, समझ रहे हो क्या? बी और ई के टर्म्स में आंसर। पोजीशन ऑफ मिनिमा का फॉर्मूला लगा सकते हैं, वाई इक्वल्स टू एन लैम्डा डी बाय डी। एन लैम्डा ये क्या? Yes, sir. Yes. अब क्या करें? अब सर डायग्राम पे मार्क कर सकते हैं कि जो मिनिमा होगा वो वन है, तो एन लैम्डा बाय डी, और बी और ई के टर्म्स में लिख सकते। ऐसा एन बी बाई ई, तो लैम्डा बी बाई ई, तो ये टू हो जाएगा ना, क्योंकि इस साइड भी और इस साइड भी क्या दो हो जाएगा, तो यही होना चाहिए ना। यस सर, ऑप्शन बी लग रहा है। यस सर, ऑप्शन बी। मीन्स तुम लोगों ने क्या किया कि ये पोजीशन निकाल लिया है ना, फिर इधर ये वाला पोजीशन निकाल लिया, करेक्ट, और फिर दोनों को तुमने ऐड कर दिया, यही ना? यस सर।
आंसर में इन्होंने प्लस ही ऐड कर दिया, कैसे ऐड किया? मैंने आंसर इन्होंने ये सी दे रहे हैं एक्चुअली, तो ये लेंथ और ये लेंथ ऐड कर देंगे, है ना? यही होना चाहिए ना, बी ही होना चाहिए ना, करेक्ट? कुछ डायग्राम ऐसा होगा क्या यार, ऐसा देखिएगा क्या, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो यहाँ पे ये S1 है, ये S2 है, और सपोज ये गैप जो है वो D है, ये पॉइंट है पी, सर फिर तो टू स्लिट हो जाएगा ना, वन स्लिट दिया है यहाँ पे, नहीं वन स्लिट ही है, ये तुम्हारा यहाँ से डिफ्रैक्शन हो रहा है, ये डिस्टेंस है डी, तो सेंटर पे ही तो ऐसा ही तो ग्राफ होता है ना, ग्राफ ऐसा ही बनता है ना? यस सर। तो हमें तो यही निकालना है, करेक्ट? ठीक है, मीन्स ये हम डी तभी ऐड कर सकते हैं इसमें, ये वाला डी हम तभी ऐड कर सकते हैं, मतलब ये गैप डी हो जाए और फिर उसके ऊपर ये डिस्टेंस इसने लिया है, ऐसा कुछ लिया है, बट ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है ना, मीन्स उसने बेसिकली
मीन्स लगभग ऐसा कुछ बोल रहा है वो. नहीं मुझे लग रहा है ना कि बी ही होना चाहिए, है ना आंसर, ये प्लस ये यही होगा ना. ठीक है, सेवन के बाद एट पे जाओ. सर तो ऑप्शन बी ही होगा ना. हाँ चलो एट्थ पे जाते हैं हम लोग. क्या बोल रहे हैं, अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रम इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ सिंगल नैरो स्लिट और विड्थ दिया हुआ है 0.001 mm. लाइट इज फोकस्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस. इसका मतलब है कि ये प्रॉब्लम किसका है, फ्रेसनल का है या फॉर्नोफर का है? फॉर्नोफर है, क्योंकि फॉर्नोफर में क्या होता है, सोर्स एंड स्क्रीन दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं, है ना. तो हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, क्योंकि यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है. ये जो कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या करेगा, बीम्स को कन्वर्ज कर देगा एक पॉइंट पे. ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड ऑन अ फोकल प्लेन द फर्स्ट मिनिमा will be formed at the angle of diffraction equal to. चलो तो कुछ ऐसा ही सिचुएशन है, ये ऐसा है ना, यहाँ से लाइट आया, यहाँ से वेवलेंथ तुम्हें दिया हुआ है 5000 angstrom दिया हुआ है, और ये जो d दिया हुआ है वो क्या है 0.001 mm दिया हुआ है, और यहाँ पे है कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस जो है ये बीम को फोकस कर रहा है स्क्रीन पे, है ना. तो द फर्स्ट मिनिमा विल बी फॉर्म्ड एट द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन. फर्स्ट मिनिमा का मतलब है ये, है ना, ये फर्स्ट मिनिमा होता है. तो फर्स्ट मिनिमा में एन का वैल्यू क्या ले, वन ना. तो फॉर्मूला क्या होता है सिंगल स्लिट के लिए, द पोजीशन ऑफ, हाँ क्या होता है बच्चों, डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा होता है ना. तो फर्स्ट मिनिमा में एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा. तो डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, लैम्डा बाई डी. तो तुम्हें एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन मीन्स थीटा ही निकालना. तो लैम्डा दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, डिवाइड कर दो. तो साइन थीटा इज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रम मीन्स 10^-10 मीटर. व्हाट इज डी, डी दिया हुआ है 0.001 mm. तो 0.001 mm का मतलब क्या हो गया, 10^-3. अब इसको सॉल्व कर दो, तो 5000 इंटू 10^-3 कितना होगा, -7, और ये हो जाएगा 1 × 1, 2, 3 ऐसे. तो 3 and 3 क्या होता है, 6 हो जाता है. तो 5 × 10^6 -7 -1 ना, तो 0.5 आ रहा है, मैंने 1/2 आ रहा है. तो साइन थीटा 1/2 है, तो थीटा हाउ मच डिग्री, 30 degrees. तो थीटा इज इक्वल टू 30 degrees, है ना. इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका. ये कैलकुलेशन आ रहा है समझ में, कैसे हो रहा है?
नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग, एट हो गया ना, नाइन। नाइन है अग्रेटिंग, है ना, अग्रेटिंग विच वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए स्पेक्ट्रोमीटर फॉर द विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रीजन। तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, आपको ये रट्टा मारना पड़ेगा, मगअप करना पड़ेगा। तो ग्रेटिंग विच वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ स्पेक्ट्रोमीटर फॉर द विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रीजन। तो विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रीजन के लिए ग्रेटिंग में क्या होता है पता है ना, ग्रेटिंग में लाइट स्प्लिट हो जाता है डिफरेंट वेवलेंथ्स में। तो विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रीजन ग्रेटिंग विच वुड बी मोस्ट सुटेबल। तो इसमें आंसर जो दिया हुआ है ना वो 10^6 लाइंस दिया हुआ है, तो 10^6 लाइंस पर सेंटीमीटर, तो डी। तो ये क्वेश्चन तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, इसका कोई जो है मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। तो विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रीजन के लिए ग्रेटिंग क्या होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर में इतने लाइंस में वो ब्रेक होना चाहिए, पता है ना, ऐसे मैंने 3D में दिखाया था तुम्हें, इस तरह का कलरफुल लाइन मिल रहा था। 1 सेंटीमीटर में 10^6 लाइंस ब्रेक होता है विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रीजन के लिए, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखो, 9 का डी। चलो 10th में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ द स्लिट इज मेड डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल विड्थ। सिंगल स्लिट में विड्थ का फॉर्मूला बताना जरा, क्या होता है विड्थ सिंगल स्लिट में, एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर विड्थ ये हो जाता है शायद लैम्डा बाय डी होता है क्या, द विड्थ ऑफ द स्लिट इज मेड डबल टू द ओरिजिनल विड्थ, द विड्थ ऑफ द स्लिट इज डबल टू द ओरिजिनल। अच्छा ये तो एंगुलर विड्थ है, दूसरा वाई कैसे निकालते हो तुम, वाई का मतलब है पोजीशन, पोजीशन कैसे निकालते थे तुम, एन डी बाई डी एन नाम दो, डी बाई डी एन लैम्डा निकालते थे ना, डी बाई डी एन लैम्डा निकालते थे। चलो तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी हम लोग, तो मैं इसको कट कर लेता हूँ। क्या लग रहा है बच्चों, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन विड्थ ऑफ द स्लिट इज मेड डबल ऑफ विड्थ ऑफ द स्लिट द सेंट्रल मैक्सिमा। तो अगर हम ये हो गया सेंट्रल मैक्सिमा, ये ऐसा है और ये ऐसा है, तो अगर हम ये सारे विड्थ को बढ़ाएंगे, ये सारे विड्थ को बढ़ाएंगे तो सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ क्या होगा, नैरो हो जाएगा ना। देखो बाकी का विड्थ अगर तुम बढ़ाओगे तो विड्थ बढ़ाने से ये इसको कॉम्प्रेस करेगा, करेक्ट, हाँ जी, विड्थ ऑफ द स्लिट इज मेड डबल, माने अगर ये डी है तो तुम इसको इसको बढ़ा रहे हो ना। अच्छा बताओ सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ क्या होता है, अभी जस्ट फॉर्मूला निकाला था तुमने, ये लैम्डा बाय डी होता है और ये भी लैम्डा बाय डी होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, टू लैम्डा बाय डी, लैम्डा बाय डी हो जाता है, करेक्ट।
लेकिन ये क्या निकालते हो तुम, ये एंगुलर विड्थ निकालते हो, सही लिखा है ना मैंने? एंगुलर विड्थ समझते हो क्या? सेंटर से ऐसे एंगल निकाल देते हो तुम, याद है थीटा एस, थीटा का डिफरेंस, तो ये एंगुलर विड्थ होता है। अच्छा तो सेंटर पे विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? सेंटर पे विड्थ कैसे निकालोगे? तो अभी तुमने फॉर्मूला मुझे बताया था ना, तो क्या फॉर्मूला था उसका? डी बाय स्मॉल डी एन लैम्डा ना, तुमने ये बताया था, सही है? तो यस, तो एन का वैल्यू वन रखोगे तो डी बाय डी लैम्डा आएगा। तो यहाँ पे मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ क्या है? डी बाई डी, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है? डी बाई डी लैम्डा। ये पूरा लेंथ कितना है? तो बीटा क्या हो जाता है? टू डी बाई स्मॉल डी लैम्डा। तो इसे हम लिखते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, है ना, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। और एंगुलर विड्थ क्या होगा? एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, देखो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा और एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो ये क्या होता है? टू लैम्डा बाई स्मॉल डी हो जाता है। ठीक है, तो ये दो कंक्लूजन लिख लेना कहीं पे, मैंने जो बच्चे मेडिकल देने वाले हो या जेई देने वाले हो इसी या जो दिसंबर में देने वाले हो, है ना, अगस्त में बहुत बच्चों का मेडिकल का एग्ज़ाम होगा और दिसंबर में जनवरी में जेई का एग्ज़ाम है 4-5 महीने के बाद। तो ये देखिए, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन द विड्थ ऑफ द स्लिट इज मेड डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल। विड्थ ऑफ द स्लिट, इसका मतलब है कि स्लिट का विड्थ अगर हमने डी लिया तो अब ये क्या हो जा रहा है बच्चों? 2D हो जा रहा है क्या? If the single slit difference width of the slit is made double, वही है ना? Yes, sir. पहले D था, अब 2D हो जा रहा है। तो 2D होने से सेंट्रल मैक्सिमा पे क्या इफेक्ट आएगा? तो जब ये D से 2D हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 2D lambda by 2 into small d हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है देखो, तो पहले से बढ़ा या कम हो गया? पहले से कम हो गया, पहले था 2 times, अब हो गया d lambda by d, तो पहले से कम हो गया। तो पहले से कम होने का मतलब क्या? विड्थ उसका कम हो जाएगा, तो कम होने से वो नैरो बन जाएगा, नैरो हो जाएगा, नैरोवर, तो नैरोवर ही होगा, तो c और d तो नहीं हो सकता है। अब ब्राइटर होगा या फेंटर होगा, क्या होगा? ब्राइटर। ब्राइटर कैसे? तो बिकॉज विड्थ कम है तो फिर इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो फिर वो ब्राइट हो जाएगा। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? आई एम साइन अल्फा बाय अल्फा का होल स्क्वायर, और अल्फा क्या होता है? फाई बाय टू। इसको लिखते क्या थे तुम? पाई बाय लैम्डा डी साइन थीटा लिखते थे ना? तो yes. तो देखो अब इससे तुम कनेक्ट करो जरा, यहीं से तुमने थीटा निकाला था करेक्ट? तो अगर तुम ये डी डी को तुम बढ़ा रहे हो, डी को तुम बढ़ा रहे हो, ये तुम बढ़ा रहे हो, तो थीटा क्या होगा बताओ? थीटा कम होगा ना? कम होगा। तो ये थीटा कम होगा, थीटा कम होने से अल्फा क्या होगा? कम होगा। यस है ना? जब अल्फा, ये पूरा अल्फा कम होगा तो इंटेंसिटी क्या होगा? कम, कम ही हो जाएगा ना? तो ब्राइटर दिखेगा ही नहीं, फेंटर दिखेगा, उस नैरो हो जाएगा लेकिन उसका इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर इसका। तो देखो इस, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये बीसीईसी का क्वेश्चन है, बिहार कंबाइंड इंजीनियरिंग कॉमन एडमिशन टेस्ट, एंड जम्मू एंड कश्मीर में भी एक क्वेश्चन आया था सीईटी में, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये बहुत, मैंने इसमें दोनों टेस्ट कर लिया उसने, उसने विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा भी टेस्ट कर लिया कि बच्चों को पता है या नहीं, दूसरा
एंगुलर विड्थ का भी कॉन्सेप्ट चेक कर लिया और इंटेंसिटी का भी कॉन्सेप्ट उसने चेक कर लिया, तीनों कॉन्सेप्ट उसने चेक किया इसमें। ठीक है, अब तुमको लग रहा है कि सर ये अल्फा तो कैंसिल हो जाता है ना? सर मुझे लास्ट वाला स्टेप नहीं समझा। देखो लास्ट वाला स्टेप क्या है, तुम बोल रहे हो ना कि डी हम बढ़ा रहे हैं सर, तो डी डी का वैल्यू बढ़ रहा है, इंटेंसिटी का रिलेशन किससे है, थीटा से है ना, इंटेंसिटी का रिलेशन थीटा से है। देखो यहाँ पे तो जब ये डी तुम बढ़ा रहे हो तो थीटा कम होगा ना, यस सर, है ना, थीटा कम होगा, तो जब ये थीटा कम होगा तो यहाँ भी थीटा है तो ये थीटा रिड्यूस होगा, जब ये थीटा रिड्यूस होगा तो अल्फा क्या होगा, रिड्यूस, अल्फा रिड्यूस होगा, अल्फा रिड्यूस होगा, और अल्फा जब रिड्यूस होगा तो अब इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये सोच रहा है, ये वैल्यू क्या होगा, अल्फा जीरो की तरफ जा रहा है, अल्फा रिड्यूस होकर के जीरो की तरफ जा रहा है, तो जब जीरो की तरफ जा रहा है तो ये पूरा वैल्यू भी वन के तरफ जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जा सकता है वो, तो वन के साथ जाएगा ना, मैंने ये वैल्यू ऐसा नहीं है कि टू जाएगा, थ्री जाएगा, फोर जाएगा, फाइव जाएगा, सिक्स जाएगा, सेवन जाएगा, क्योंकि थीटा टेंड्स टू जीरो लिमिट साइन थीटा बाई थीटा वन ही होता है, तो जब ये जीरो की तरफ जा रहा है तो ये जो रेशियो है ना वो वन की तरफ जाएगा, नॉट टू थ्री फोर फाइव, जब टू थ्री फोर फाइव होगा तब तो इंटेंसिटी बढ़ेगा ना, तो इसलिए ये वैल्यू फिक्स हो गया, तो ये वैल्यू जो फिक्स हो गया तो इंटेंसिटी कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। ठीक है बच्चों, जाएं नेक्स्ट, कोई क्वेश्चन है तो पूछो, माइक ऑन करके पूछ सकते हो कोई क्वेश्चन है तो। सर जो अल्फा का फॉर्मूला है उसमें हम थीटा थीटा तो रिड्यूस हो रहा है बट डी भी तो इंक्रीज हो रहा है ना, हाँ सर। अच्छा ये बताओ, अल्फा इज इक्वल्स टू पाई बाई लैम्डा तुमने लिखा है, यहाँ पे डी साइन थीटा लिखा है, करेक्ट। अब है क्वेश्चन कि सर डी बढ़ रहा है और थीटा यहाँ पे कम हो रहा है, यही ना, ये टू yes, ये टू हो रहा है और ये कम हो रहा है। अच्छा ये बताओ तो अल्फा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा सर, है ना, तो देखो एक साथ, एक साथ, हाँ बोलो, ब्राइटर एंड डार्कर वेवलेंथ पे डिपेंड होती है। अच्छा तो यहाँ पे कैसे कनेक्ट करोगे फिर, टू एंड टू कैंसिल हो रहा है, टू एंड टू कैंसिल हो रहा है, हाँ तो कैंसिल होने से कम हो रहा है, तो फ्रिंज विड्थ कम हो रहा है, तो फ्रिंज विड्थ कम होने से वेवलेंथ कम हो रहा है, ठीक है, फ्रिंज विड्थ कम होने से वेवलेंथ कम हो रहा है, तो इससे इंटेंसिटी कैसे कनेक्ट करोगे, इंटेंसिटी तो एम्पलीट्यूड से भी कनेक्टेड होता है, हाँ वेवलेंथ कम हो रहा है तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, सर
वेवलेंथ का एम्पलीट्यूड के साथ क्या रिलेशन है? देखो जो तिथि का क्वेश्चन, जी वेवलेंथ कम होगा तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। सर अगर डी टू टाइम्स से बढ़ रहा है तो फिर जो फॉर्मूला है वो भी बढ़ेगा ही ना, मतलब अगर वो डबल हो रहा है तो उसमें स्क्वायर है तो वो और भी बढ़ जाएगा, वो डिक्रीज क्यों हो रहा है सर, फेंटर क्यों हो रहा है? यस सर, बीटा ब्राइटर होना चाहिए ना। हाँ सर, फॉर्मूला में डी भी तो इंक्रीज होगा, डबल हो जाएगा। नहीं सर, डी इंक्रीज हो रहा है ना, डबल हो जाएगा। वेट रिड्यूस हो गया ना, बीटा रिड्यूस हो रहा है जब डी टू डी हुआ, तो हमने प्रूफ ये कर दिया कि बीटा जो है वो कम हो जा रहा है, वेट कम हो जा रहा है। ठीक है, अब इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सो आई थीटा इज, नहीं तुम लोग जो भी बताते हो ना उसका मैथमेटिकल प्रूफ बताओ, आई एम इन टू क्या होगा, साइन अल्फा बाई अल्फा का होल स्क्वायर होगा। अच्छा, और अल्फा क्या होता है, अल्फा हो जाएगा पाई बाई लैमडा, पाई बाई लैमडा इन टू डी साइन थीटा। ठीक है, अब तुम ये बोल रहे हो कि, और यहाँ पे हमने थीटा नॉट भी निकाला है, थीटा नॉट इज इक्वल्स टू क्या निकाला है, टू लैम्डा बाई डी निकाला है, लैम्डा बाई स्मॉल डी, टू लैम्डा बाई स्मॉल डी। तो हमने ये क्या है, ये है एंगुलर फ्रिंज विड्थ, तो जब डी को हमने डी बाई टू से कम किया, डी को हमने टू डी किया, तो टू डी करने से ये पूरा ये कम हो गया है ना, मैंने ये पूरा रेशियो कम हो गया, तो पूरा रेशियो कम होने से एंगुलर फ्रिंज विड्थ तो कम ही होगा। ठीक है, तो ये तो बात पक्की है, मैंने सेंट्रल फ्रिंज विड्थ पहले ऐसा बन रहा था, अब ये रिड्यूस हो करके ऐसा हो जाएगा, मैंने ये विड्थ कम हो रहा है। ठीक है, तो इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सर पहले मतलब ज्यादा विड्थ थी तो इंटेंसिटी पूरा मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, तो मतलब ज्यादा विड्थ में कम इंटेंसिटी थी, अब विड्थ कम हो रहा है तो स्मॉल जगह से ज्यादा लाइट आ रही है, वैसा सर इंटेंसिटी अभी ज्यादा होगी, विड्थ रिड्यूस हो रही है। मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि एक लाइट बल्ब हॉल में है और फिर उसको वही लाइट बल्ब को छोटे रूम में डाल दिया जाए। सर छोटे वाले रूम में इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो फिर वो ज्यादा ब्राइट होगा। अच्छा ये बताओ कि विड्थ कम होने से नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या होंगे? विड्थ कम होने से नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या होंगे, बढ़ेंगे या कम होंगे? बढ़ेंगे। अच्छा, तो अगर नंबर ऑफ फ्रिंजेस बढ़ेंगे तो
इंटेंसिटी और नंबर ऑफ फ्रिंजेस का क्या रिलेशन है? तो क्या होगा, जब नंबर ऑफ फ्रिंजेस बढ़ेंगे ना तो एक दूसरे पे वो ओवरलैप करना स्टार्ट करेगा, एयरी डिस्क बनेगा और एक दूसरे पे वो ओवरलैप करना स्टार्ट करेगा। ओवरलैप करने से ना इंटेंसिटी कम हो जाएगा, उसका फेंट दिखेगा वो। जब वेट कम होगा तो फ्रिंजेस का नंबर्स बढ़ जाएंगे, तो जब नंबर्स बढ़ेंगे तो ओवरलैपिंग बढ़ेगा, ओवरलैपिंग बढ़ने से ना इंटेंसिटी उसका फेंट होगा। इंटेंसिटी जो होता है ना इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्लिट विड्थ होता है, बिल्कुल। तो अगर स्लिट विड्थ कम होगा तो स्लिट विड्थ कम होने से नहीं, इंटेंसिटी इज क्या लिखे फिर आंसर? तो मेरे अकॉर्डिंग तो ब्राइटर होगा। कैसे? वो ब्राइटर होना चाहिए। ब्राइटर के लिए तुम्हारा लॉजिक यही है क्या कि सर आपने बोला था कि अगर ओवरलैप कर रहे तो फिर इंटेंसिटी डिक्रीज हो, बट देन ओवरलैप करने से इंटेंसिटी इंक्रीज होती है ना। ओवरलैप करने से सेम कलर ओवरलैप होगा तब तो इंटेंसिटी बढ़ेगा ना। एक डार्क है एक वाइट है, वो ओवरलैप करेगा तो क्या होगा, कम होगा ना उजाले। मैंने वाइट चीज़ों में ब्लैक डालते हैं तो इंटेंसिटी कम हो जाता है ना उसका। वाइट वाइट डालेंगे तब तो इंटेंसिटी बढ़ता है। बट सर उस केस में तो वो स्ट्रांग हो जाएगी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग मयूरी कैसे होगी ये बताओ ना, तुम जो बोल रहे हो उसका कुछ प्रूफ तो दो। अगर दो चीज़ों को तुम ज्वाइन कर रहे हो, आई एग्री, अगर दो सेम एनर्जी को ज्वाइन करोगे तब इंटेंसिटी बढ़ेगा। एक डार्क को ज्वाइन कर रहे हो, एक 180 डिग्री पे फेज है, एक 90 डिग्री 0 डिग्री पे फेज है, दोनों को हम ज्वाइन कर रहे हैं तो इंटेंसिटी कैसे बढ़ेगा। एक प्लस फोर है एक माइनस फोर है, एक प्लस फोर एक माइनस थ्री है तो इंटेंसिटी कैसे बढ़ेगा। प्लस फोर को ज्वाइन करेंगे तब तो इंटेंसिटी बढ़ता है क्या सर? यहाँ पे हम लोग सेंटर जो सेंट्रल फ्रेंच है वो रिड्यूस हो रहा है तो सेंट्रल फ्रेंच ही ओवरलैप हो रहा है ना, तो मतलब सेम ही कलर हो रहा है।
सर जो पहले का जो इंटेंसिटी से लाइट आ रही थी, जैसे कि मैंने बताया ना लाइट बल्ब है तो वो लाइट दे रहा है ज्यादा जगह में, और फिर वो अगर कम जगह में दे रहा है तो ज्यादा इंटेंसिटी से ही लाइट आएगी ना। सर हम ऐसे बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस बढ़ रहे हैं तो लाइट और डार्क बैंड्स जो है वो बहुत क्लोज आ जाएंगे, इसलिए फेम दिखेगा। वही तो मेरा भी पॉइंट है सर, वो एक्चुअली अभी समझा आपने ओवरलैप का बोला बाद में, तो मुझे लगा कि सेम एनर्जी ओवरलैप हो रही है इसलिए इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए। सर हम फॉर्मूला में अल्फा का वैल्यू अप्लाई करके कर सकते हैं क्या, उससे कुछ रिलेशनशिप? और सर हमारा फोकस तो सिर्फ सेंटर फ्रिंज पर है ना, क्या लिखे आंसर? तो आंसर क्या लिखे? देखो सिंगल स्लिट है ठीक है, वेट द स्लिट का डबल हो रहा है, तो डबल होने से डी डबल हो रहा है तो बीटा तो कम हो जाएगा, तो वेट तो कम हो रहा है, विड्थ कम होने से नैरोअर हो जाएगा, इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर इसका आंसर क्या दिया हुआ है? तो इंटेंसिटी जो है, क्योंकि नंबर ऑफ फ्रिंजेस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फ्रिंजेस बढ़ने से ओवरलैपिंग होगा, लेकिन एक पॉइंट इसमें ये भी मार्क करना है कि सिर्फ हमें सेंट्रल मैक्सिमा पे ही ध्यान देना है, अगर सेंट्रल मैक्सिमा पे नेक्स्ट वाला मिनिमा ओवरलैप कर लेता तो इंटेंसिटी माने ये वेट कम होता जा रहा है, तो सेंट्रल मैक्सिमा और नेक्स्ट वाला जो मिनिमा है उस पर भी ओवरलैपिंग बढ़ेगा, देन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑन द देन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑन द डिफ्रैक्शन पैटर्न विल बी
देन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑन द डिफ्रैक्शन पैटर्न. अगर सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा पे फोकस कर रहे हो तो फिर ब्राइटर होगा, अगर सेंट्रल मैक्सिमा पे फोकस कर रहे हो तो. लेकिन अगर ओवरऑल अगर हम फोकस करें, कहने का मतलब है कि सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ कम हो रहा है तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस ज़्यादा हो जाएंगे, फ्रिंजेस ज़्यादा होने से ओवरलैपिंग बढ़ जाएगा. तो अगर हम पूरे स्क्रीन पे देखेंगे ना तो इंटेंसिटी जो है वो फेंट होने लगेगा, सेंटर पे इंटेंसिटी बढ़ेगा. तो देन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑन द डिफ्रैक्शन पैटर्न विल बी, क्या लिखे आंसर, नैरो एंड ब्राइटर, नैरो एंड ब्राइटर होगा. ओवरऑल पूरे स्क्रीन पे फेंटर होगा, सेंटर पे ब्राइटर होगा. ठीक है सर, आप इसका एग्जैक्ट रीजन एक बार स्क्रीन पर से लिखा सकते हैं? हाँ, तो देखो हमने इसमें क्या लर्न किया इस केस में कि विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा बीटा इज इक्वल्स टू 2d लैम्डा बाय स्मॉल d. नाउ व्हेन d जो है जब 2d हो जाएगा तो बीटा जो है ये बीटा बाय Hence, width of central maxima reduces. Maxima reduces. So, more number of fringes form on the screen, so more overlapping of unequal intensity fringes, more overlapping of unequal intensity fringes hai na possible. So on a screen the resultant overlapping or equal intensity fringes possible. So on a screen the resultant intensity become kya faint. Becomes faint, but at the center compared to neighbors है ना, या compared to neighbors point intensity maxima का मतलब है brighter. तो overall faint हो जाएगा लेकिन center पे brighter ही रहेगा. अब मैंने ऐसा एक general लिख दिया है. ओके चलो अब हम ऊपर जाते हैं. ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18 था ना सर? 10 था सर. 10 था सर. चलो अब जाओ 11 नंबर पर. फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है? ये तो डायरेक्ट है ना यार, क्या होता है फॉर्मूला, क्या बताया था मैंने? इंटरसेक्शन,
क्या बताया था, डेल्टा फाई बताया था क्या, इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, यही बताया था ना फेज एंड पाथ में रिलेशन. सो 2 पाई बाय लैम्डा कहीं दिख रहा है, 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा बाय 2 पाई, तो लैम्डा बाय 2 पाई डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स. ठीक है, तो ए इज द राइट ऑप्शन. चलो उसके बाद देखो कर्नाटका सीटी का क्वेश्चन है. और आप एक मिनट को 11th वाला क्वेश्चन बता सकते हैं? द रिलेशनशिप बिटवीन फेज डिफरेंस एंड द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेयरिंग वेव्स, मानी ये इंटरफेरेंस का क्वेश्चन है ना, तो ये तो एवरीवेयर यूज कर सकते हो आप. फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस का क्या रिलेशन बताया था मैंने, फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इन टू पाथ डिफरेंस, तो ये इधर जाएगा, ये 2 पाई नीचे आएगा, सो लैम्डा बाय 2 पाई डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना. चलो अब ये देखो तो कर्नाटका सीटी का क्वेश्चन सॉल्व करो. रेड लाइट दिया हुआ है, वेवलेंथ उसका दिया हुआ है 625 नैनोमीटर, इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन एन ऑप्ट, ओ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का क्वेश्चन है ये. डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के फॉर्मूला ज़रा रिकॉल करना फटाफट. डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में हमने क्या क्या देखा था, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में हमने देखा था डिस्पर्सिव पावर, है ना, डिस्पर्सिव पावर, एक तो डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला था पावर एन अपॉन डी कॉस थीटा था ना, डी तो स्लिट ही रहा होगा, डी स्लिट रहा होगा और एन क्या रहा होगा, 1 2 3 है ना, ऑर्डर रहा होगा. और उसके बाद एक हमने पढ़ा था रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर, तो रिजॉल्विंग पावर स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन पढ़ा था, यही दो फॉर्मूला था ना ग्रेटिंग का. अब देखो हमें क्या क्या निकालना है इसमें, और जब भी डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन होता है तो एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमा डी साइन थीटा हम क्या लिखते हैं, एन लैम्डा, है ना, वेयर डी इज आप समझते हो डिस्टेंस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव स्लिट्स, और एन का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3. एन क्या होता है, कैपिटल एन, लाइंस ऑफ ग्रेटिंग ना, लाइंस ऑफ ग्रेटिंग. चलो तो रेड लाइट का वेवलेंथ दिया हुआ है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग विथ इतना लाइंस पर मीटर है, मैंने एक मीटर में हमें इतने लाइंस दिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 10⁵ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कैपिटल एन. तो क्वेश्चन पेपर में कैपिटल एन दिया हुआ है, 2 × 10⁵ लाइंस पर मीटर दिया हुआ है, इंक्लूडिंग सेंट्रल प्रिंसिपल मैक्सिमम. How many maximas may be observed on a screen which is far from the grating?
अच्छे से सॉल्व करें इस क्वेश्चन को. क्या करें इसको, हमें निकालना है हाउ मेनी मैक्सिमम मे बी ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन विच इज़ फार फ्रॉम द ग्रेटिंग. नंबर ऑफ मैक्सिमा कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मैक्सिमा कैसे निकालते हैं? तो मैक्सिमा तो सेंटर पे तो मैक्सिमा होता है, फिर ये ऐसा चलता है ना. तो ये n इज इक्वल्स टू ज़ीरो होता है, ये n इज इक्वल्स टू ये वन होता है क्या, और ये n इज इक्वल्स टू क्या होता है, टू होता है क्या? n इज इक्वल्स टू जीरो पे एक मैक्सिमा है, वन माने सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा. n इज इक्वल्स टू अगर हम वन रखते हैं इस फॉर्मूला में तो टू प्लस वन थ्री आ रहा है ना. नहीं समझा. नहीं, मैं ऐसे खुद से रिसर्च कर रहा था कि नंबर ऑफ मैक्सिमा कैसे निकाले. मैंने यहाँ पे जो भी मैक्सिमा बन रहा है ना उसको काउंट कैसे करें, कितने मैक्सिमा बनेंगे ग्रेटिंग में, क्योंकि ग्रेटिंग में तो बहुत सारे लाइंस रहते हैं ना, पर मीटर पर सेंटीमीटर्स, तो उसमें काउंट कैसे करेंगे कितने मैक्सिमा बन रहे हैं इस तरह से. तो उसके लिए तुम्हें क्या करो, फॉर्मूला रिमेंबर रखो. जब भी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का क्वेश्चन हो ना, जब भी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का क्वेश्चन हो, क्योंकि हमने देखा था 3D में कितने लाइंस बन रहे थे, तो नंबर ऑफ मैक्सिमा अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मैक्सिमा अगर निकालना है, नंबर ऑफ मैक्सिमा तो कैसे निकालोगे नंबर ऑफ मैक्सिमा, तो ऐसे काउंट करना तो बहुत मुश्किल है. तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखो 2n+1, फॉर्मूला याद रखो 2n+1, ये नंबर ऑफ मैक्सिमा का फॉर्मूला हो गया. अब क्वेश्चन है कि सर ये n कैसे निकालेंगे, तो n निकालने के लिए आप यूज़ कर सकते हो 1/λ(N), जहाँ लैम्डा क्या हो जाता है, लैम्डा क्या हो जाता है वेवलेंथ, और n क्या हो जाएगा पर मीटर पे कितने लाइंस बन रहे हैं. ठीक है, तो अगर देखो ये दोनों कॉन्सेप्ट लगा कर देखो क्वेश्चन बनता है क्या. तो हमारे क्वेश्चन में लैम्डा दिया हुआ है क्या, देखो तो लैम्डा दिया है 625 दिया हुआ है ना. तो अगर हम yes. ये फॉर्मूला लगा दें तो n इज इक्वल्स टू 1/625 n मीटर है, n मीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, नैनोमीटर को मीटर में 10^-7 क्या. कैपिटल N कितना दिया हुआ है, 2×10^5 तो N इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये तो -7 और ये 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6. तो नैनोमीटर है ना, तो -9 आएगा, -9 होता है क्या, हाँ. तो माइनस कितना, -9 और 5 -4 हो जाएगा. तो इसको ऊपर शिफ्ट कर दे क्या, 10^4 625×2 देखो तो कैंसिल वगैरह हो रहा है क्या, ये तो शायद 25 जाता है ना ये. यस सर. तो 25 4 जा 16/2 8 आ रहा है क्या,
एन का वैल्यू 8 आएगा, 8 यहाँ रखो जरा, 2 इंटू 8 प्लस 1 17 आना चाहिए मैक्सिमम, 17। तो ये फॉर्मूला याद रखो यार, है ना। अब पूछोगे सर कैसे निकाला ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कुछ कुछ चीज़ें एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। हाँ वही तो, इसलिए हम क्वेश्चन जैसे जैसे सॉल्व करेंगे ना, तो उससे भी कुछ ना कुछ सीखेंगे हम लोग, ठीक है सर। तो n को आपने बस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया ना, 2n plus 1 वाले, 2n plus 1 वाला। ओके सर। कर्नाटका सिटी के भी कुछ कुछ क्वेश्चंस अच्छे हो जाते हैं नहीं? चले सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? अच्छा इसके पहले था ना कि 13 नंबर, अ पैरेलल, क्या बोल रही है, अ पैरेलल मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ नैरो स्लिट, ठीक है बिल्कुल। अ डिफ्रैक्शन पैटर्न इज फॉर्म ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम, यहाँ तक तो कुछ नहीं है। एट द फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न फेज डिफरेंस निकालना है। ऐसा ही क्वेश्चन अभी किया था ना हमने, हमने फर्स्ट मिनिमा का फेज डिफरेंस निकाला था, याद है? शायद फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था आपका, ये झारखंड में आया हुआ क्वेश्चन है, JCEC का क्वेश्चन है ये। तो तुम्हें कह रहा है फर्स्ट मैक्सिमा पे फेज डिफरेंस क्या होगा ये बताना है। तो ऐसा ही क्वेश्चन अभी जस्ट आपने सॉल्व किया था ऊपर, वहाँ पे फर्स्ट मिनिमा का बताना था फेज डिफरेंस, है ना। कैसे निकाला था वो वाला क्वेश्चन, 2π बाई कुछ किया था ना आपने शायद, वहाँ पे शायद आपने लैम्डा लैम्डा बाई 2 कर लिया था, मुझे याद आ रहा है। Yes, sir. वहाँ पे आपने लैम्डा बाई 2 कर लिया था मिनिमा के लिए, यहाँ पे आपको मैक्सिमा निकालना है। वहाँ पे कौन सा क्वेश्चन था ऊपर, शायद होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 ना। ये देखो फर्स्ट मिनिमा हमें निकालना था, तो हमने सबको सेम रखा, सबको सेम रखा, यहाँ पे फाई निकालना था, ठीक है। फाई साइन थीटा के जगह हमने यहाँ पे हमें मैक्सिमा निकालना है ना, तो फाई इज इक्वल्स टू 2π बाई लैम्डा इंटू डी। मैक्सिमा के लिए साइन थीटा, मिनिमा के लिए साइन थीटा हमने लैम्डा बाई 2d रखा था, याद है, लैम्डा को हाफ कर दिया था हमने, बट यहाँ पे क्या रखेंगे, डायरेक्ट लैम्डा बाई डी ही रखेंगे, तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल, डी और डी कैंसिल, सही है ना बच्चों, 2π होना चाहिए आंसर, 2π होना चाहिए। yes, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, ध्यान रखो फर्स्ट मिनिमा में लैम्डा लैम्डा बाई 2 हो जाता, मैक्सिमा में लैम्डा लैम्डा ही रहेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, ये लिखो, दी फेज डिफरेंस, दी फेज डिफरेंस ऑफ फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा क्या होता था, पाई होता था ना शायद, पाई, द फेज डिफरेंस ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा, ये क्या होता था, 2π। इसमें कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट हमने क्या लगाया था बच्चों, फाई इज इक्वल्स टू, फाई निकालने के लिए 2π बाई लैम्डा इंटू डी साइन थीटा रखा था ना। तो जब भी आप फर्स्ट मिनिमा का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो साइन थीटा क्या होता है, लैम्डा बाई
डी हो जाता है ना, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या कर जी हाँ वही लिख रहे हैं ना, तो लैम्डा लैम्डा बाई टू हो जाएगा, तो लैम्डा बाई टू डी हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमा के लिए साइन थीटा क्या पुट करेंगे, लैम्डा बाई डी ही पुट करेंगे। ठीक है, इस पे दो क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक, मैंने इस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। अब क्वेश्चन है सर, ये लैम्डा लैम्डा बाई टू कैसे लिख रहे हो सर आप? तो ये हो गया मैक्सिमा, ये हो गया मिनिमा, ये हो गया मैक्सिमा, ये क्रेस्ट एंड क्रेस्ट, ये डिस्टेंस लैम्डा होता है। ये डिस्टेंस क्या होगा, लैम्डा बाई टू ही होगा ना, क्रेस्ट एंड ट्रफ। टेंथ में पढ़ा था हमने। हाँ सर, सर, हाँ सर, हाँ सर, नमस्ते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं क्या? यस सर। हाँ सर, नहीं नहीं सर, बोलिए। हाँ हाँ अच्छा, हाँ नहीं, फीस बाकी है ना सर? ठीक है, तो मैं आता हूँ दोपहर को, आऊँ तीन चार। तो मैं आता हूँ सर, मैं 4 बजे पहुँचता हूँ आपके पास। आप रहेंगे ना 5 बजे तक रहेंगे ना? ठीक ठीक ठीक, मैं आता हूँ, आता हूँ, आ जाता हूँ। हाँ चलो, ये हो गया 13 ना सर, 13 ओवर ना। 14th पे आ जाए हम लोग, 14th 15th। हाँ चलो 14th पे आओ, क्या बोल रहे हैं? द एंगुलर विड्थ ऑफ अ सेंट, एंगुलर बोल रहा है बच्चों, ध्यान रखो। हम लोगों ने दो विड्थ पढ़ा था, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। हाँ क्या पढ़ा था बताओ, लैम्डा बाई डी, क्या पढ़ा था हमने सर? 2d लैम्डा बाई डी, 2d lambda by small d, ठीक है। एंड एंगुलर विड्थ क्या पढ़ा था? 2 lambda by d, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज इक्वल्स टू 2 lambda by small d ना, small d। द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न, विड्थ क्या दिया हुआ है? a दिया हुआ है, एंगुलर विड्थ। हाँ तो हो गया ना, फिर 2 लैम्डा बाई ए होगा आंसर, है ना? सिंपल, बस डी yes. के प्लेस पे ए पुट कर दो, तो 17 का सी ऑप्शन करेक्ट। चलो 15 नंबर देखो, तो इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट मिनिमा ऑन द लेफ्ट एंड द फर्स्ट मिनिमा ऑन द राइट, द स्क्रीन ऑन विच द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज डिस्प्लेड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट।
The wavelength is 6000 angstrom. What is the slit width is about? Chalo, the distance between the first minima on the left and the, अरे ये तो यही बोल रहा है ना, left and right, इसका मतलब है central fringe width, क्योंकि देखो ना, yes sir, ये ऐसा होता है diagram, और इधर भी ऐसा होता है, और ये center पे maxima होता है, तो देखो क्या बोल रहा है, first minima on the left, तो ये first minima हो गया left, and the first minima on the right, ये हो गया right. ये width हमें दिया हुआ है, कितना 5 mm दिया हुआ है, 5 mm है ना, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो ना, 2d lambda by small d, ये 5 mm है, mm को मीटर में कन्वर्ट करो, तो 10 raised to minus 3, distance 80 cm from the slit, 80 cm है बच्चों, तो 2 into 80 cm को क्या लिख सकते हैं, 10 raised to minus 2, wavelength क्या दिया हुआ है, 6000 angstrom into 10 raised to minus 10, और small d क्या दिया हुआ है, 5 mm दिया हुआ है ना, नहीं सर, small d ढूंढना है, ढूंढना है ना, हाँ तो d निकालो, ये 5 into 10 raised to minus 3, तो यहाँ से हमें d निकालना है, समझ रहे हो क्या question? Yes sir. देखो क्वेश्चन क्या है, 15th, तो चलो क्या था कागजल फार्मूला, फार्मूला क्या था, विड्थ ऑफ 2d लैम्डा बाय स्मॉल d, हां विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो ये होता है 2d बाय स्मॉल d लैम्डा, है ना, यही होता है ना बीटा, हां वही चीज है, लैम्डा ऊपर ही है, लैम्डा बाय 1 है ना वो, चलो हमें क्या निकालना है, स्मॉल d निकालना है, तो क्या लिख सकते हो, 2 लैम्डा d बाय बीटा, तो चलो 2 इनटू लैम्डा क्या है, 6000 10 रेज़ टू माइनस 10, कैपिटल d क्या दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर, बीटा क्या दिया हुआ है, 5 mm, इसको कैलकुलेट कर लो, तो कितना आ जाएगा ये, जीरो पॉइंट 192 mm, ये सी ऑप्शन करेक्ट, समझे, काजल को नहीं आ रहा, वो दो ही फॉर्मूला पे तो खेल चल रहा है, हाँ चलो नेक्स्ट, उसके बाद आ जाओ 15 के बाद क्या है, 16th वाला करते हैं, चलो वेल्लोर मेडिकल कॉलेज का एक क्वेश्चन है 16, चलो 16, yes. Angular width of central maxima, angular width बोल रहा है, चलो बताओ formula क्या होता है, what is width of central maxima, central 2d lambda by small d, हाँ, so 2d lambda by small d, और angular width, बार बार वही formula हमने लिख रहे हैं, of central maxima, मैक्सिमा ये हो जाता है लैम्डा बाय स्मॉल डी, स्मॉल डी, तो पहले ये लिख देने का फटाफट, है ना, चलो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इन फ्राउनहोफर्स, फ्राउनहोफर्स में क्या होता है, सोर्स एंड स्क्रीन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है, पैटर्न मेजर, स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट ऑफ वेवलेंथ दिया हुआ है, इफ स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय अ लाइट ऑफ अनदर वेवलेंथ, एंगुलर विड्थ, अच्छा पहले से रिड्यूस हो रहा है 30%, तो बताओ लाइट का वेवलेंथ क्या था,
मीन्स हमें विड्थ का रिलेशन लैम्डा से सर्च करना पड़ेगा. तो है ही ना अपने पास, क्या है एंगुलर विड्थ और लैम्डा में क्या रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, सही है ना? तो इनिशियली थीटा वन क्या है, इसको थीटा लिख ले, थीटा नॉट लिखते थे ना शायद, इसको थीटा नॉट लिखते थे. ये है टू लैम्डा बाई डी. तो वेवलेंथ क्या यूज कर रहे हो, 6000 10 रेस टू माइनस 10 डिवाइडेड बाई स्मॉल डी. नंबर वन. अब एंगुलर विड्थ डिक्रीज हो रहा है 30% से. 30% से डिक्रीज होने का मतलब क्या हो गया, कि पहले था थीटा नॉट, अब कितना हो गया, थीटा नॉट माइनस थीटा नॉट इंटू 30/100, यही हो गया ना बच्चों. तो कितना हो गया ये, 100 माइनस 30 70 बाई 10 माने 7, 100 माइनस 30 7 बाई 10 कितना होता है ये, 0.70 थीटा नॉट हो जाएगा. ये टू लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि टू ऑलरेडी दोनों में कॉमन ही रहेगा. तो इनिशियली थीटा नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आई थिंक डी भी दोनों में कॉमन ही रहेगा. सी वेरी क्या हो रहा है, वेवलेंथ इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. अब ये हो गया 0.7 थीटा नॉट 0.7. तो ये लैम्डा वन ये लैम्डा टू ले लेते हैं, दोनों का रेशियो निकालो. तो दोनों का रेशियो, तो पहले ग्रेटर वाला लिखो फर्स्ट, by theta naught is equals to lambda 2 by lambda 1. Lambda 1 kitna hai? 6000 into 10 raised to minus 10. Cross multiply kar le. To 0.7 into 6000 into 10 raised to minus 10. 6, 7 ja 42. B answer aa raha hai kya? B is the right answer. Bilkul sahi. Samjhe kya kya maine? Kyunki थीटा नॉट और लैम्डा का ही डेटा दिया हुआ था, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया. अब वो क्या कर रहा है कि पहले से वो 30% रिड्यूस हो जा रहा है. तो रिड्यूस कैसे निकालते हो, आप टेंथ में पढ़ा था ना परसेंटेज. तो पहले से 30% कम हो गया, मीन्स अब 70 rupees उसका कॉस्ट हो गया, मीन्स 0.7 हो गया. तो जब 0.7 थीटा नॉट था तो वेवलेंथ था लैम्डा 2. तो ये बाय ये कर दो, 0.7 थीटा नॉट बाई थीटा नॉट इज इक्वल टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1. ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें लैम्डा 2 कैलकुलेट कर लेंगे. तो ये हो जाएगा 4200 एंगस्ट्रॉम. तो बी इज द राइट आंसर. ये था वेल्लोर मेडिकल कॉलेज का क्वेश्चन, और इसी तरह के क्वेश्चन जेईई मेंस में भी आ सकते हैं. आगे बढ़ूँ मैं, हो गया ये क्वेश्चन. सॉरी मिनट्स जी, कल डिफ्रैक्शन पे टेस्ट है, एमसीक्यू टेस्ट है ना? यस सर. मैंने तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व कर दिया, एक एक क्वेश्चन देखो हम लोग यहीं पे डिस्कस कर लिए. अभी चलो नेक्स्ट जाते हैं हम लोग. चलो 16 हो गया ना बच्चों, 16 के बाद 17 बताओ क्या होगा. एफएमसी का क्वेश्चन है, हाँ बताइए. द विड्थ ऑफ डिफ्रैक्शन बैंड वेरीज. चलो विड्थ कैसे निकालते हैं बच्चों, सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ बताओ. फॉर्मूला क्या होता है, टू लैम्डा डी बाई स्मॉल डी होता है ना. डिफ्रैक्शन बैंड का विड्थ वो पूछ रहा है. तो डिफ्रैक्शन बैंड का मतलब है
कि ये सेंटर पे बना फिर ये वाला, मीन्स ये वेट था, तो हाफ कितना होता है, ये हाफ, तो लैम्डा डी बाई डी हो जाएगा, है ना, तो बीटा हो जाएगा लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। समझ पा रहे हो या नहीं? अच्छा, तो वेट ऑफ डिफ्रैक्शन बैंड वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ स्लिट आ रहा है, डायरेक्टली एज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन आ रहा है, इनवर्सली एज द साइज ऑफ सोर्स फ्रॉम द स्लिट इज एलिमिनेटेड। बीटा का रिलेशन क्या है बताओ ना, यहाँ पे बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी है ना, तो डायरेक्टली एज विड्थ ऑफ स्लिट नहीं, डायरेक्टली का है, इनवर्सली एज वेवलेंथ ये भी नहीं होगा, डायरेक्टली एज डिस्टेंस, हाँ यस, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, स्लिट एंड स्क्रीन का डिस्टेंस को डी लिखते हैं, तो 17 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो इस ये तो क्वेश्चन भी जस्ट तुमने सॉल्व किया था ना, क्या लिखा था, बी एन लैम्डा बाई टू लिखा था ना अभी आपने, यही तो क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हम लोग कन्फ्यूज हुए थे कि प्लस डी करना है या नहीं करना है, तो आपने बताया था कि सर बी एन लैम्डा बाई ना, तो ये तो ई हो जाएगा ऑप्शन, ये क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है अभी। द सोर्स इज एट सम डिस्टेंस फ्रॉम एन ऑब्स्टकल, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्स्टकल एंड द पॉइंट बी and the wavelength is lambda, what is the average distance of nth Fresnel zone at a distance, from Fresnel zone का मतलब है ना next minima, आपको निकालना है दोनों साइड से, ठीक है, वैसे भी ये अभी सिलेबस में नहीं है। चलो 19 पे जाओ जरा, कर्नाटका सीटी का क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करो। अ सिंगल स्लिट फ्रंट ऑफ अ डिफ्रैक्शन पैटर्न इज फॉर्म्ड विथ वाइट लाइट, ठीक है, वेवलेंथ दिया हुआ है, वेवलेंथ ऑफ लाइट द थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न कोइंसाइड्स विद द सेकेंडरी सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा इन द पैटर्न फॉर द रेड लाइट, वेवलेंथ दिया हुआ है 6500 एंगस्ट्रॉम। क्या करें इसमें, रास्ता ढूंढो जरा, सिंगल स्लिट का है, वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा का मैंने पोजीशन बताया था ना तुम्हें, एन प्लस हाफ होता है ना समथिंग, नोट्स में अगर देखोगे तो पता चलेगा, एन प्लस हाफ, एन प्लस हाफ इनटू लैम्डा, यही था ना शायद, यस, जिसको तुम ऐसा लिख सकते हो क्या, 2n प्लस 1 बाय 2 लैम्डा बाय 2, 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 नहीं होगा, ओनली लैम्डा होगा, और इसके जगह पे तुमने क्या लिखा था सर, d साइन थीटा लिखा था क्या, मैंने दिस इज इक्वल्स टू d साइन थीटा कुछ लिखा था क्या, थियरी लिखा था ना, ये डी साइन थीटा को ही हम पाथ डिफरेंस बोलते हैं, कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, फॉर व्हाट वेवलेंथ ऑफ लाइट द थर्ड मैक्सिमा इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न कोइंसाइड विद सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड से सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा कोइंसाइड हो रहा है, वेवलेंथ दिया हुआ है, तुम्हें वेवलेंथ ऑफ लाइट निकालना है, मैंने यहाँ पे दो है क्या शायद, और व्हाट वेवलेंथ लाइट द थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न कोइंसाइड विद द सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा,
सर आप इसका डायग्राम बता सकते हैं? चलो इसको जो है ना हमें लेना पड़ेगा पेजेस पे, इसमें सॉल्व करना पड़ेगा. यस थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमम कौन सा होगा? ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया और ये थर्ड हो गया. कोइंसाइड विद द सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा क्योंकि यहाँ पे वाइट लाइट बोल रहा है ना, तो वाइट लाइट में क्या होता है हमें कलरफुल बैंड्स बनते हैं. अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट रहता है ना तो वाइट एंड डार्क बैंड बनता है. तो इसलिए वो बोल रहा है कि एक वेवलेंथ का थर्ड और दूसरे का सेकंड, ये दोनों एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा है. समझ रहे हो क्या? तो कैसे निकालते हैं यार ये थर्ड पोजीशन कैसे निकालते हैं? यहाँ से ये वाला पॉइंट क्या होता है? वाई एन से निकालो ना. वाई एन से कैसे? वाई एन इज इक्वल्स टू एनथ मिनिमा. ये एनथ मिनिमा का पोजिशन बताता है ना. क्या होता है? एन लैमडा स्मॉल डी बाई डी होता है. ये है ना फार्मूला. तो ये देखो, ये हो गया फर्स्ट मिनिमा, ये हो गया सेकेंड मिनिमा, ये हो गया थर्ड मिनिमा और ये हो गया फोर्थ मिनिमा. ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड. तो यहाँ पे क्या आएगा? यह जाएगा थ्री लैमडा डी बाई स्मॉल डी और यहाँ पे क्या होगा बता सकते हो? फोर लैमडा डी बाई स्मॉल डी. तो ये वाला जो पोजीशन होगा वो इन दोनों का तो एवरेज होगा ना क्या? तो एवरेज तो एवरेज क्या होगा इसका? थ्री लैमडा डी बाई स्मॉल डी प्लस प्लस क्या? फोर लैमडा प्लस फोर लैमडा डी बाई स्मॉल डी बाई टू. तो इसमें एलसीएम बताओ क्या होगा? एलसीएम लैम्डा डी बाई डी टू डी को कॉमन निकाल लो तो ये हो जाएगा थ्री प्लस फोर सेवन हो जाएगा क्या ही? तो सेवन लैम्डा डी बाई टू डी. तो ये तो थर्ड का हो गया. अब कह रहा है कि इसके साथ सेकेंडरी मैक्सिमा कोइंसाइड, सेकेंडरी मैक्सिमा यहाँ पे आ रहा है ना. तो ये हो गया. अब मैं सेकंड केस लेता हूँ, इसका पोजीशन क्या होता है बच्चों? यहाँ से तो हमने देखा था ना फॉर्मूला n लैम्डा d बाई डी. तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा? वन.
तो d लैम्डा बाय स्मॉल d, यहाँ पे क्या होगा, टू टू होगा ना, टू लैम्डा, और यहाँ पे तो मालूम ही है, तो सेकेंडरी मैक्सिमा तो यहाँ आ रहा है कहीं ना कहीं, मीन्स इन दोनों का क्या होगा, ये एवरेज होगा, तो ये पोजीशन कैसे निकालोगे, तो ये पोजीशन हो जाएगा फाइव लैम्डा डी बाई टू डी, समझ रहे हो, मैंने इसका और इसका एवरेज ये हो गया। अब जब दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं तो इट मीन्स दोनों का जो वर्टिकल यहाँ से जो डिस्टेंसेस है, ये y2 का और ये y3 का, दोनों इक्वल होगा तभी तो कोइंसाइड करेगा, तो 7 लैम्डा d बाय d फर्स्ट का और 5 लैम्डा d बाय क्या रहा है, सॉरी ये 2d है ना, 2d सेकंड का, ये दोनों बराबर होना चाहिए। अब यहाँ से हमें निकालना क्या है, वेवलेंथ निकालना है शायद, तो जो डेटा नहीं दिया उसको कैंसिल कर दो, तो ये डेटा नहीं है ना शायद तुम्हारे पास, ये नहीं है, ये तो सेम विड्थ है, ये भी सेम ही होगा, तो ये हो जाएगा सेवन लैम्डा वन इज इक्वल्स टू फाइव लैम्डा टू, तो लैम्डा टू इज इक्वल्स टू सेवन, ये लैम्डा टू दिया है या लैम्डा वन दिया है, फॉर रेड लाइट, ठीक है, मैंने हमें लैम्डा वन निकालना है, तो यहाँ से लैम्डा वन निकालो, तो फाइव बाय सेवन इंटू लैम्डा टू, तो फाइव बाय सेवन इंटू सिक्स फाइव डबल ज़ीरो कितना रहा है, देखो तो ये फोर सिक्स आएगा ना समथिंग, फोर सिक्स फोर टू पॉइंट एट आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट। सर क्या किया सर आपने, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है सर, ऐसा मन कर रहा है ना कि जा करके सर को ना दीवार में मार लूं। नहीं सर, समझ आया। यस सर, होता ही है, क्या करोगे, ऐसे थोड़ी करोड़ों का आपने करोगे, सर्जरी करोगे तो पाँच पाँच लाख का बिल बनाओगे, तो पेशेंट बेचारा पूछने भी नहीं आएगा कैसा बिल बनाया, तो इसी चीज़ के लिए तो पैसे मिलेंगे तुम्हें, ये सब पढ़कर डॉक्टर बनोगे तो वो इसीलिए तो आपको पैसे मिलेंगे, तो थोड़ा तो टफ रहेगा ही ना, है ना। तो देखो ये क्या है, ये सबसे पहली बात देखो इस क्वेश्चन में क्या सीखने को मिल रहा है, देखो इस क्वेश्चन में ये है कि जब भी हमें पोजीशन निकालना हो ना, पोजीशन ऑफ एनथ मिनिमा, ठीक है, फ्रॉम सेंटर, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एन लैम्डा स्मॉल डी बाई डी, नंबर वन। नंबर टू, फिर हमने क्या देखा, वो क्या बोल रहा था कि थर्ड मैक्सिमा कौन सा, सेकेंडरी ओवरलैप हो रहा है किससे, सेकेंड सेकेंडरी सेकेंडरी मैक्सिमा मैक्सिमा से, तो ओवरलैप तभी होगा ना जब सेंटर से उन दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा, ये सेंटर है, यहाँ पे सेकंड बन रहा है, यहाँ पे थर्ड बन रहा है, तो जब ये गैप और ये गैप जब दोनों बराबर हो जाएगा y2 y3 तभी वो ओवरलैप कर सकता है। कभी कभी क्या होता था ना, मुझे याद है कि जब हम लोग आपके एज में थे तो जब क्लास अटेंड करते थे और थियरी हमारा क्लियर नहीं होता था ना, और सर पढ़ाए जा रहे हैं, रेसनिक हेलिडे का क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं या ओपी टंडन ओपी अग्रवाल का क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, और हम लिंक ही नहीं कर पाते थे, क्यों नहीं लिंक कर पाते थे, क्योंकि हमारा हमने थियरी उतना पढ़ा ही नहीं था, मैंने हम उतना पढ़ के आते नहीं थे, तो पता ही नहीं चलता था यार ये मैक्सिमा क्या है, ये मिनिमा क्या है, ये सेकेंडरी क्या है, और बाकी बच्चे आंसर देते थे, इतना जलन होता था ना कि बाकी बच्चे आंसर दे रहे हम नहीं दे पा रहे हैं, बड़ा ख़राब लगता था। और पहले तो साइकिल हुआ करता था ना अपने पास, साइकिल से हम लोग 15-15 किलोमीटर ट्रैवल करके जाते थे, और उस समय ये कोरोना वायरस वगैरह नहीं था, तो आराम से हम लोग ऐसे ट्रैवल करते हुए जाते थे, लेकिन देखते थे कि बाकी बच्चे बड़ा इन्वॉल्व होकर के आंसर देते थे, हम लोग नहीं दे पाते, तो फिर जा कर के घर पर पढ़ते थे तो समझ में आता था कि अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे ये है हो रहा है। तो मैंने अपने रूम में ना वाइट बोर्ड लगा रखा था,
तो पहले ही से लेक्चरिंग का आदत था मुझे 11th स्टैंडर्ड से, तो जा करके लेक्चरिंग लेता था, मैंने खुद से पढ़ता था और किसी को समझ लेता था, कोई रूम में प्रेजेंट है और उसको पढ़ाता था। तो ऐसे करते 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 फिर चीज़ें क्लियर होती थी, मैंने एक बार में हिट नहीं अगर हो रहा है ना तो समझ जाओ कि तुम्हें थियोरी फिर से रिकॉल करना पड़ेगा, फिर से थियोरी को किसी के साथ डिस्कस करना पड़ेगा, तब जा करके माइंड में कहीं ये सेट होता है ये सब चीज़ें। एक बार सेट हो गया तो बायोलॉजी से भी फास्ट ये सॉल्व होता है, आप समझ रहे हो।